जे एडवांस 2023 पेपर वन के सेक्शन फोर पे बढ़ेंगे नेक्स्ट। सेक्शन फोर क्वेश्चन 14 to 17 जिसमें मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस, बट सिंगल करेक्ट, उसमें वन ऑन वन मैचिंग और सिंगल करेक्ट, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, ऐसे आप कई बार बहुत आराम से सॉल्व कर पाते हैं डिपेंडिंग ऑन द ऑप्शंस गिवन, राइट। लेट्स टेक अ लुक एट दीस क्वेश्चंस ओवर हियर। क्या है लंबा चौड़ा, बहुत लंबा दिखने वाला क्वेश्चन, बट आप देखिए नीचे इधर पी क्यू आर एस आर द फोर ऑप्शंस ओवर हियर, इधर 1, 2, 3, 4, 5 में से इनको मैच करना है और ए बी सी डी चार ऑप्शंस में से कोई सा एक करेक्ट मार्क करना है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये अल्फा बीटा गामा बी रियल नंबर्स, कंसीडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, टक टक टक, और उसके बाद अलग अलग केसेस ऑफ बीटा एंड गामा एंड अल्फा वगैरह के ऊपर कंडीशंस दे रखी है, राइट। और मैच द कॉलम में इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड जब इस तरह का क्वेश्चन आता है रिलेटिवली काफी सिंपल हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा मैचिंग वैचिंग जब आप नीचे देखेंगे तो बहुत आसानी से आपकी चीजें मैच हो जाती हैं। देखते हैं किस प्रकार, लेट्स टेक अ लुक एट दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अल्फा बीटा गामा रियल नंबर्स हैं, हाँ, कंसीडर फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्या है, x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स 7, देन यू हैव x प्लस अल्फा z इक्वल्स 11, 2x माइनस 3y प्लस बीटा z इज इक्वल टू गामा, दिस इज व्हाट यू हैव। तो सबसे पहले dx dy dz की चर्चा कर लेते हैं, उसके हिसाब से अपन आगे कमेंट कर पाएंगे। d यूजिंग क्रेमर्स रूल, d क्या है अपने पास 1, 1, 2, 2, 0, 3 with a minus, then you have 1 alpha beta. ये determinant complete बन रहा है, and इसके बाद आपको simply इसको solve कर लेना है, तो let's solve this. क्या रही expression? Please observe. Zeros वगैरह अगर हम extra create करना चाहें तो कर सकते हैं. Yes, we can create zeros over here using this 2 और using this 1. यहाँ यहाँ दोनों जगह पे अपन zeros create कर सकते हैं, लेकिन alpha और beta unnecessarily परेशान होंगे. तो let's expand along this line only. 1 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस 3 0, तो दिस इज माइनस 3, माइनस अल्फा के साथ इस कॉलम के लोग एक्सपैंड करें माइनस 3, माइनस 4 इज माइनस 7, एंड प्लस बीटा के साथ यू विल गेट 0 माइनस 2 विच इज माइनस 2, दिस इज व्हाट यू गेट। तो 7 अल्फा माइनस 3 माइनस 2 बीटा, ये चीज आ रही है, डी की वैल्यू आ रही है ये। डी अगर 0 हो जाए तो उसका मतलब निकलेगा कि 2 बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा माइनस 3 हो जाए, और आप देखेंगे कई जगह पे शायद ये 2 बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा माइनस 3, 2 बीटा इज इक्वल टू 7 अल्फा माइनस 3, बीटा नॉट इक्वल टू दिस, बीटा नॉट इक्वल टू दिस। तो आपको पता है अगर ये नॉन जीरो हुआ तो यूनिक सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे आप, अगर ये 0 हुआ तो या तो इनफाइनिटली मेनी या नो सॉल्यूशन की तरफ जा रहे होंगे, या तो 2 या 3। तो P या Q का आंसर या तो 2 या 3 में से कोई सा एक होना चाहिए, अभी तक यहां तक हम पहुंच पाए। आप देखिए P का आंसर या तो 2 या 3 में से कोई सा है, अभी कोई ऑप्शन कट नहीं रहा है, अच्छा 2 या 3 में से कोई सा। और अगर ये R या S में 2 या 3 बिल्कुल नहीं आना चाहिए, या तो यूनिक सॉल्यूशन कोई सा एक आंसर यूनिक सॉल्यूशन का होना चाहिए, उसके अलावा दिस इज एज अ सॉल्यूशन भी कह रहा है, अच्छा यूनिक सॉल्यूशन वाला केस, यहां दोनों में यूनिक सॉल्यूशन है, साथ में 4, 5 भी, तो 1, 4, 5 में से कुछ सेट होना चाहिए R S में। तो R S में R में 1, 4, 1, 4, 5, 1, 5, 1, 4, 5, ये 3 वाला ये काट सकते हो आप, ये 3 वाला एज इट इज, डी को आप स्ट्राइक आउट कर सकते हैं, डी तो हमारे काम का नहीं है, कतई काम का नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, राइट। दिस इज समथिंग विच यू कैन स्ट्राइक आउट ऑन द बेसिस ऑफ दिस मच एनालिसिस, अभी तक जो हमने किया है उसके बेसिस पे। अच्छा डी इक्वल टू 0 आपने देख लिया, ये 7 11 और गामा को भी इन्वॉल्व करें ना अपन, हाँ उसने कहा ना गामा गामा इन्वॉल्व करो, यस। तो अपन गामा को इन्वॉल्व करते हैं, सबसे पहले अल्फा बीटा को रिमूव कर लेते हैं, तो डी जेड की चर्चा करते हैं अपन, किसकी चर्चा करते हैं, डी जेड, डी जेड विल बी अगेन 1, 1, 2, 2, 0, -3 एंड 7, 11 गामा, दिस इज वॉट यू गेट। और इसको भी एक्सपैंड कर दूं मैं लास्ट वाले कॉलम के अलॉन्ग, तो 7 टाइम्स आ जाएगा माइनस 3, माइनस 11 टाइम्स आ जाएगा माइनस 7, एंड प्लस गामा टाइम्स आ जाएगा माइनस 2, यही दीज आर द थिंग्स, माइनस 3, माइनस 7 एंड माइनस 2 सेम चीज आएंगी, 7 माइनस 11 एंड गामा के साथ, दिस इज माइनस 21, 77 माइनस 21, 77 माइनस 21 इज 56, 56 माइनस 2 गामा बन रहा है। अगर इसको मैं 0 कर दूं, dz equal 0 implies gamma is equal to 28, अच्छा जी gamma अगर 28 नहीं होगा तो dz non-zero होगा, dz non-zero होगा, d0 और dz non-zero मतलब no solution वाला केस है, अच्छा dz अगर ये नहीं होगा तो, जैसे यहां पे कह रहा है, तो q के साथ आपको सबसे पहले दिख रहा है कि q के साथ तो गारंटी से ये d0 है, बट dz non-zero है, मतलब गड़बड़ है, मतलब no solution वाला केस है, q का आंसर तो होगा नो सॉल्यूशन। और अगर मान लीजिए P की बात करें, D 0 है बट गामा 28 है, साथ में ये भी एंश्योर कर लिया आपने, तो अब हम मूव कर रहे हैं किसकी तरफ,
यूनिक सॉल्यूशन नहीं होगा ये, इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन की तरफ मूव करे, इनमें से भी कुछ हो सकता है, हाँ हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, बट आप देखेंगे ऑप्शंस, ऑप्शंस की तरफ जाएं, क्यू को टू कर दिया, पी के लिए थ्री हो सकता है या मे बी फोर फाइव में से कुछ और एक एक सॉल्यूशन कुछ ना कुछ निकल जाए, तो क्यू को टू करते हैं सबसे पहले, तो क्यू को टू, क्यू को टू यहां पर मिल रहा है और क्यू के लिए टू यहां मिल रहा है, उस केस में पी के लिए थ्री है, पी के लिए थ्री है तो पी को थ्री पे ही सेट रख देते हैं, क्यू के लिए टू, अब आर और एस फाइव फोर है या 1-4 है, तो हमारा टारगेट R को डील करना है सबसे पहले, क्योंकि 4-4 के केस में हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें R से आंसर मिलेगा, R का आंसर या तो 1 है या 5 है, कौन सा सही है इनमें से ये पता करना है अपने को, A या दिस इज C भी कट चुका है, ठीक है, तो अपन एक एक करके स्टेप वाइज चल रहे हैं। नेक्स्ट R के लिए अगर बीटा ये नहीं है, अल्फा ये है एंड गामा 28 नहीं है, अच्छा बीटा ये नहीं है, गामा 28 नहीं है, देन द सिस्टम हैज व्हाट, उसने कहा 1 या क्या क्या है उसके पास ऑप्शन, R के लिए, R के लिए 1 है या R के लिए 5 है, these are the options available to us, जैसे उसने कहा कि भाई गामा अगर 28 नहीं है, गामा अगर 28 नहीं है तो dz न्यूमरेटर 0 नहीं है, न्यूमरेटर 0 नहीं है तो z equal to 0 सॉल्यूशन आ सकता है क्या, z equal to 0 सॉल्यूशन नहीं आ सकता, गामा 28 होगा तब z equal to 0 में से कोई सा एक सॉल्यूशन आ जाएगा, यूनिक सॉल्यूशन अल्फा इक्वल टू 1, गामा 28 नहीं होगा तो ये चीज नहीं आ सकती, तो इस पर्टिकुलर केस में ये तो चला जाएगा 1 के ऊपर, R will go to 1, R will go to 1, ये वाला सही है, आप यहां से आंसर मार्क कर सकते हैं, और आप देखें इसके आगे भी फर्दर अगर आप एनालाइज करेंगे तो इस पर्टिकुलर केस में dz 0 आ रहा है, हाँ dz 0 आ रहा है तो z equal to 0, चौथा या पांचवा कोई सा एक आंसर आ सकता है, वो अपने को सारी की सारी वैल्यूज अभी दे नहीं रखी है, अल्फा की वैल्यू 1 दे रखी है, बाकी सब दे रखी है या नहीं, बीटा नहीं दे रखा है, राइट, तो स्टिल देयर विल बी एन इश्यू, बट अदर देन दैट बाकी सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप बोलेंगे चार और पांच में से कोई सा एक हो सकता था एस के लिए, उसने कहा ये, और इसके लिए R के लिए फिर 1 का ही ऑप्शन बचता है और कोई नहीं है, तो Q is 2, R is 1 and only on the basis of this you can comment easily that the correct answer for this particular question will be A, as you can see P का 3, Q का 2, R का 1, S का 4 is the correct answer for this question, और difficulty level में कहां तक जाएंगे अपन, difficulty level देखिए ध्यान से, इस तरह के questions आप करते आ रहे हैं, लाइक बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ नहीं है एक्सेप्ट फॉर एनालिसिस, आंसर मार्क करना भी रिलेटिवली आसान बट नॉट अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने कहा डिफिकल्टी लेवल 4 ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ऑन अ स्केल ऑफ 10, रिलेटिवली इजी टू मॉडरेट की रेंज में जाता है ये। अच्छा अगला क्वेश्चन जेई एडवांस में स्टैटिस्टिक्स की तरफ से, स्टैटिस्टिक्स इसी साल इंट्रोड्यूस हुआ 2023 में, और एक क्वेश्चन देखिए आपके सामने यहाँ पे है, मीन मीडियन मीन डिवीजन अबाउट मीन डिवीजन अबाउट मीडियन सब निकल वाली है यहाँ पे, ठीक है, बहुत ज्यादा टिपिकल, बहुत ज्यादा घुमा फिरा के कुछ नहीं पूछा है, डायरेक्टली आपसे सब कुछ कैलकुलेट करवा लिया, अभी कैलकुलेट करके बताओ कि ये चीजें आपको आती है या नहीं आती है, दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, लेट्स टेक अ लुक एट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको निकालना आना चाहिए सब कुछ, मीन आना चाहिए, मीडियन आना चाहिए, मीन डेविएशन आना चाहिए, अबाउट मीन अबाउट मीडियन सब कुछ आना चाहिए, राइट, यू शुड बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दोस थिंग्स। टेबल में वैल्यूज देखता हूँ 3, 8, 11, 10, 5, 4, थोड़ा सा हैपरहैज़र्ड अरेंज है, लेट अस अरेंज देम प्रॉपरली, एक्स आई है, एफ आई है, सो व्हाट डू वी हैव 3, 4, 5, 8, 10, 11, 3, 4, 5, 8, 10, 11, इट इज ईजियर टू हैंडल वैल्यूज इन दिस वे, राइट, दिस इज व्हाट यू हैव 3, 4, 5, तो 5, 4, 4 आ जाएगा, 5, 4, 4, 8 के नीचे 2, 2, 3 आ जाएगा, दिस इज व्हाट यू हैव, मीन चाहिए मुझे x bar इज समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, राइट, समेशन निकाल लें अपन अलग से, समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है इन सब का समेशन, 9, 10, 13, 14, 15, 20, दिस इज अ समेशन, समेशन ऑफ एफ आई इज दिस, एफ आई एक्स आई निकालना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए एफ आई एक्स आई चाहिए, 15, 16, 5, 4, 20, 8, 2, 16, 20 and 33, what does that give me, this is 16, 16, 32 and 33 will be 65, 65 and 15 will be 80 and 120 आ रहा है, दिस इज 120 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई विच इज 20 और ये आ जाएगा सिंपली 6, तो मीन हमारे पास आ जाते हैं सिंपली 6, मीन ऑफ द अबव डेटा इज 6, 1 का है आंसर 3, पी का आंसर है 3, दैट्स व्हाट यू कैन ऑब्जर्व, पी का 3 है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, लेट्स कंटिन्यू फर्दर एंड मीडियन की बात करेंगे, मीडियन से पहले कैन बी ऑल्सो एनालाइज ऑप्शंस कौन सा आ चुका है, अब सिर्फ पी आया है वैसे तो एक क्यू और निकाल लेते उसके बाद बात करते, तो मीडियन की चर्चा कर लेते, मीडियन के लिए पहले मुझे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी चाहिए, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 5, 5, 4, 9, 9, 4, 13, 13, 2, 15, 15, 2, 17 एंड 3,
is 20. This is what you need. यानी जो टेबल को रीअरेंज करना जरूरी था इसके लिए भी क्योंकि आपको मीडियन निकालने की जरूरत थी, राइट? टेबल को रीअरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी. मिडिल वैल्यू, मीडियन इज द मिडिल वैल्यू एंड 20 में मिडिल में 10th और 11th दोनों रहेंगे. यस, तो 10th और 11th दोनों यहां लाए कर रहे हैं इस जगह पे. दिस इज सपोज टू बी माई मीडियन. दिस इज 5. मीडियन सिंपली 5 है, राइट? क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल से आप डायरेक्टली बता सकते हैं. एक्सक्यूज मी, दिस इज 5. सो मीडियन ऑफ द आवर डेटा इज दिस. सो क्यू के लिए आई कैन से दैट द करेक्ट आंसर इज. So, P का 3, Q का 2. अब हम शायद देख सकते हैं एक बार. P का 3, Q का 2. P का 3, Q का 2. P का 3, Q का 3 and 2, 3. So, A and B अभी तक सही लग रहे हैं. D और C तो उड़ा दो. ये तो कैंसिल हो गए. P का 3, Q का 2, R 4, R 5. S 5 है, R में 4 है, R में 1 है. अगर मैं सिर्फ R भी सॉल्व कर लूं तो भी अपना काम बहुत आराम से चल जाएगा. R क्या है? मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ द अबव डेटा. आता है हमें मीन डेविएशन अबाउट द मीन. मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या कहते हैं? मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई के साथ एक्स आई माइनस एक्स बार इसका मॉड अपॉन समेशन ऑफ एफ आई. दिस इज अ मीन डेविएशन अबाउट मीन. अच्छा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन करना होता तो यहां एक्स बार की जगह एम आ जाता, मीडियन कैपिटल एम, राइट? इसके लिए ये दोनों वैल्यूज चाहिए मुझे. एक्स आई माइनस एक्स बार चाहिए, उसका एफ आई के साथ प्रोडक्ट चाहिए. लेट्स फाइंड दैट. देखिए इधर, तो एक्स आई माइनस एक्स बार और उसका मॉडुलस ले लो. पहले ही मॉडुलस ले लिया जाए. एक्स बार कितना है? एक्स बार इज 6. सो एक्स आई माइनस दिस इज 3. 6 माइनस 4 इज 2. 6 माइनस 5 इज 1. 8 माइनस 6 विल बी 2. 10 माइनस 6 विल बी 4 एंड 10 विल बी 5. और इसका एफ आई के साथ प्रोडक्ट ऑफ दिस मॉडुलस कितना हो जाएगा? एफ आई के साथ प्रोडक्ट 5 इंटू 3 इज 15. 2 इंटू 4 इज 8. 1 इंटू 4 इज 4. 2 इंटू 2 इज 4. 4 इंटू 2 इज 8 एंड 3 इंटू 5 इज 15. इस पूरे का समेशन निकालना है मुझे. व्हाट इज दैट समेशन? लेट्स फाइंड दैट समेशन ओवर हियर. 15 8 23 15 एंड यू कैन से दिस इज 16. 31 31 एंड 8 विल बी 39 एंड 15. 39 एंड 15 विल बी 54. द समेशन इज 54 ओवर हियर. तो इसके बेसिस पे आप बोल सकते हैं, अच्छा यहां पे जो मीन डेविएशन अबाउट एक्स बार है इसकी वैल्यू हो जाएगी 54 अपॉन समेशन ऑफ एफ आई विच इज 20. कितना है ये? 2.7 निकल के आ रहा है. दिस इज कमिंग आउट टू बी 2.7. अभी आप ऑप्शंस देख सकते हैं. आर में 2.7 इज फोर्थ वाला. आर में 2.7 इज फोर्थ वाला और एस का आंसर फिफ्थ होगा क्योंकि अपने बाकी ऑप्शन से दिख रहा है. आर में द करेक्ट आंसर इज आर का फोर्थ. तो आर का फोर्थ, आर का फर्स्ट नहीं है, आर का फोर्थ है. तो आंसर ए आता हुआ दिख रहा है अपने को यहां पे. एस का 5 है आंसर. ये भी कंफर्म कर लो ना एक बार. लेट्स कंफर्म दैट एज वेल. एस का क्या है? 5. एस क्या हो जाएगा? मीन डेविएशन अबाउट मीडियन व्हिच इज समेशन ऑफ एफआई के साथ मॉडुलस ऑफ एक्सआई माइनस कैपिटल एम अपॉन समेशन ऑफ एफआई. दिस इज व्हाट यू हैव ओवर हियर. अच्छी बात है. मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन निकालना था तो उसके लिए पहले मुझे एक्सआई माइनस एम का मॉडुलस पहले निकालना पड़ेगा जैसे ऊपर निकाला है, एग्जैक्टली उसी तरह से. और फिर उसके साथ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा. एक्स आई माइनस एम, एम कितना है? 5. 5 माइनस 3 इज 2. 5 माइनस 4 इज 1. 5 माइनस 5 0. 3, 5 एंड 6. और एफ आई के साथ इस पूरे का प्रोडक्ट, व्हाट इज दैट? एफ आई इज 5 टाइम्स 2 इज 10. 1 टाइम्स 4 इज 4. 4 टाइम्स 0 इज 0. 3 टाइम्स 2 इज 6. 5 टाइम्स 2 इज 10. 6 टाइम्स 3 इज 18. इस पूरे को जोड़ दीजिए. 14, 6, 20, 30, 48 आ रहा है. ये 48 आ रहा है. तो यहां से आप बोल सकते हैं दिस इज 48 अपॉन 20 विच इज सिंपली 2.4 और यही आना चाहिए था यहाँ पे, राइट? मीन आ रहा है अपने पास 6. मीडियन आ रहा है दिस एंड मीन डिविजन अबाउट मीन इज 2.7 एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी 5. सो पी क्यू आर एस के लिए 3, 2, 4, 5 इज माई करेक्ट आंसर फॉर दिस एज यू कैन सी एन ऑप्शन ए. ये है सवाल का सही जवाब. डायरेक्ट सवाल है, कुछ ज्यादा बहुत विशेष चीज नहीं है. सिर्फ कैलकुलेशन थोड़ी सी ज्यादा है, तो सब कुछ ही कैलकुलेट करना. बट आप देखिए, तीन चीजें कैलकुलेट बिना किए बिना आपका काम चलेगा नहीं. लास्ट वाली चीज भले आप कैलकुलेट ना करें, वो तब पता चल रहा है जब पहले की चीजें कैलकुलेट कर चुके हैं, उसके बाद ही पता चल रहा है. और शुरुआत वाली चीजें कैलकुलेट करने के बाद ही आप बाद की चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो कैलकुलेशन सारी करने की जरूरत है तभी आप कंफर्म बता सकते हैं. तीन चीजें तो निकालनी ही पड़ेंगी तभी आप आंसर बता पाएंगे कंफर्म, राइट? सो डिफिकल्टी रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, डायरेक्ट सवाल नॉट मच टू, मतलब कुछ इंक्विजिटिव बहुत ज्यादा कुछ सोचने वाला चीज नहीं है. डायरेक्टली सॉल्व कर लो फटाफट एंड दैट्स अ कंप्लीट थिंग. डिफिकल्टी रेटिंग इजी क्वेश्चन 3 ऑन अ स्केल ऑफ 10.
That's all that you have in this question. इसी के साथ बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर. अगला सवाल vectors and three dimensional geometry. Basically three dimensional geometry के ऊपर based. बहुत ही विशेष सवाल. देखिए ध्यान से. काफी लंबा चौड़ा दिखने वाला क्वेश्चन. वंस अगेन पूरा पूरा पेज ले लेता है क्वेश्चन. घबराने की जरूरत नहीं होती क्वेश्चन से. जैसा आपको पता है जे एडवांस में घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं होती. अगर आप क्वेश्चन की साइज देख के घबरा जाएंगे तो फिर कुछ नहीं होगा. ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ें, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ कह देते हैं. ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है अगर आपने पकड़ लिया तो. ऐसा है क्या? हाँ, देखो ध्यान से. वैसे भी ये मैच द कॉलम और वन बाय वन मैचिंग है, तो आप शायद आराम से कर पाएंगे इसको विद अ फ्यू कैलकुलेशंस, विद अ फ्यू कैलकुलेशंस. देखिए ध्यान से क्वेश्चन में क्या कह रहा है. प्लीज ऑब्जर्व दैट L1 and L2 be the lines this and this. दो लाइंस की बात कर रहे हैं, दोनों लाइंस दे दी respectively. पहली लाइन की क्या खास बात? L1. L1 is lambda times I cap plus J cap plus K cap. तो ये 0, 0 से पास हो रही है लाइन, और इसके along vector 1, 1, 1 इसके components हैं. B vector के components 1, 1, 1 हैं. ठीक है, अदर लाइन जो है L2 वो है J minus K प्लस म्यू टाइम्स आई प्लस के. अच्छा जी, ये लाइन की क्या खास बात है? ये 0, 1, -1 से पास हो रही है, और इसके अलॉन्ग जो वेक्टर है उसके डायरेक्शन रेशियोज 1, 0, 1 है. कंपोनेंट्स ये है. अच्छा, एक्स बी द सेट ऑफ ऑल प्लेन्स एच दैट कंटेन द लाइन एल वन. एल वन को कंटेन, एल वन से पास होने वाली बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं. एल वन से पास होने वाले बहुत सारे प्लेन्स हो सकते हैं. कैन बी मेनी मेनी प्लेन्स पासिंग थ्रू एल वन. For a plane H, ये H plane की बात कर रहा है. For a plane H, let DH denote the smallest possible distance between the points of L2 and H. अच्छा, L2 और H का smallest possible distance की बात कर रहा है. क्या? DH denote the smallest possible distance. DH is smallest possible distance मुद्दे की बात. अच्छा जी, between the points of L2 and H. L2 से H का smallest possible distance की बात कर रहा है. अच्छा, okay. After what are next? H not be a plane in X. अब मुझे क्या कहते हैं? H not be a plane in X for which d H not is the maximum value of d H as H varies over all planes. Is d H maximum होना चाहिए. ऐसी H not बताओ जिसके लिए d H maximum हो जाए. तो इस line से maximum distance हो किसी plane का, तो कैसी होगी वो plane? ध्यान दीजिए, line से किसी plane का maximum distance हो तो इस line के parallel होगी ये plane, तभी maximum distance होगा. अगर नहीं तो फिर कुछ भी angle भी तो intersect कर जाएगी. Maybe line will intersect. Maximum distance होने के लिए इसका जो normal है, इसका जो normal vector है, वो इसके perpendicular होना चाहिए. That's important, right? अच्छा, इस plane पे lie करने वाली एक line already पता है, L1, और ये L2 है. L1 is a line which is parallel to this plane. L2 is another line which is parallel to this plane. L1 L2 आपस में parallel नहीं है, mind you. आपस में parallel नहीं है. L1 L2 दोनों इस plane के parallel हैं, तो normal vector दोनों L1 L2 के perpendicular होगा. तो H0 की खास बात है ये. ये H not की है, और आगे की पूरी कहानी H not के ऊपर, as H varies over all planes in X. ध्यान दीजिए, आगे की पूरी कहानी H not के ऊपर based है. Simple, आपको बस इतना सा analysis अगर आपने कर लिया है, तो अब आप H not निकाल सकते हैं हमसे. H not निकालेंगे लिए N vector निकालूं. N vector क्या हो जाएगा? L1 L2 के along जो direction ratios हैं, उसकी मदद से आप N vector directly cross product करके निकाल सकते हैं. I cap, J cap, K cap. एक है 1, 1, 1, एक है 1, 0, 1. This is what you have. अच्छा, इस तरह का एक क्वेश्चन इस पेपर में ही, इसी तरह का एन वेक्टर निकालने वाला एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आया था क्यूब वगैरह में, इसी पेपर में, जिसमें सिमिलर तरीके टर्म्स थे, नंबर्स वगैरह थे. वहां पे भी क्या, यहाँ पे 1, -0 आई कैप आ जाएगा, जे के साथ 0 हो जाएगा, के कैप के साथ माइनस के कैप. दिस इज व्हाट यू गेट. दिस इज एन वेक्टर अलॉन्ग दिस, फॉर दिस प्लेन, फॉर दिस प्लेन. इस प्लेन पे ये लाइन एल लाई करिए, तो एक पॉइंट मुझे इस प्लेन पे ऑलरेडी पता है. एक पॉइंट कौन सा पता है? जो एल वन पे है. एल वन पे 0, 0 है. हाँ, 0, 0 पता है. तो मुझे अगर एच नॉट की इक्वेशन चाहिए, एच नॉट की इक्वेशन के लिए पॉइंट 0, 0, 0 मुझे पता है. एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू डी हो सकता था, जहां पे 0, 0, 0 अगर मैं इसमें पुट कर दूं, दिस इंप्लाइज डी इज इक्वल टू 0. इक्वेशन ऑफ द प्लेन विल बी सिंपली एक्स माइनस जेड इक्वल टू 0. दिस इज द स्पेशल थिंग कि प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी x माइनस जेड इक्वल्स 0. एच नॉट है ये. अच्छा, पूरी की पूरी कहानी से हमने क्या निकाल लिया? हमने एच नॉट निकाल लिया. अब लेट्स राइट एच नॉट इज x माइनस जेड इक्वल्स 0. अब क्या कह रहा है देखते हैं. लिस्ट वन लिस्ट टू में द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस ऑफ एच नॉट इज, एच नॉट का डिस्टेंस किससे चाहिए? ध्यान दीजिए, डी एच वॉज डिस्टेंस फ्रॉम एल टू, तो एल टू पे कोई भी पॉइंट हो उससे डिस्टेंस निकालो, उतना ही डिस्टेंस होगा. पैरेलल था ना, हमने इंश्योर कर लिया, राइट? तो एल वन पे कोई भी पॉइंट क्या था? 0, 1, -1. L2 पे, सॉरी, 0, 1, -1. देयरफॉर
पी के लिए मुझे क्या करना है, पी के लिए डी एच नॉट निकालना है. डी एच नॉट इज दिस डिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस. व्हाट इज दैट? जीरो प्लस वन. जीरो प्लस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर विच इज टू मॉडुलस विच इज वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू. पी के लिए आंसर आ जाता है वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू. पी के लिए द वैल्यू ऑफ डी एच नॉट इज वन अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू. पी का आंसर आ जाता है फाइव. P के लिए आंसर आ जाता है 5. That's my correct answer for this. Distance of the point 012 from H naught. अब H naught आ गया ना, हाँ तो 012 का distance निकाल सकते हैं. हाँ. What is that? 0, 1 and 2. Minus 2 upon root 2 आ जाएगा. इसका modulus ले लिया तो ये root 2 आ जाएगा. Q वाले का आंसर आ जाएगा 4. Q का आंसर क्या आ जाएगा? 4. This is what you get. आप चाहें तो options analyze कर सकते हैं. P का 5, Q का 4. कहाँ कहाँ मिल रहा है अभी? P का 5, Q का 4. अरे ये रहा. दो कैलकुलेशन करती है, आपको आंसर तो मिल गया आपका भी. R का 3 और S का 1 भी शायद आ रहा होगा. Maybe. Let's take a look at that. R, the distance of the origin from H naught. Origin से distance, कितना मुश्किल है भी. एक बार H naught आ गया तो आपका काम बहुत सिंपल है. 0 माइनस 0. ये तो ओरिजिन से पास कर रहा है. हाँ, ओरिजिन से पास कर रहा है तो इसका डिस्टेंस तो वैसे ही 0 हो जाना है. कोई दिक्कत नहीं. तो R का 3 आ रहा है. दिस इज व्हाट यू गेट. फिर द डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स दिस एंड H naught. एक और प्लेन दे दी और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात कर रहा है फ्रॉम द ओरिजिन. तो पहले मैं x माइनस z इक्वल टू 0 एक प्लेन ले लूं. दूसरी प्लेन है y इक्वल टू z एंड x इक्वल टू 1. तो x इक्वल टू z, y इक्वल टू z, सब कुछ इक्वल है. हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? x इक्वल टू 1 वाला, x इक्वल टू y इक्वल टू z इक्वल टू 1. 1, 1, 1. और इसका डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन क्या है अभी? 1, 1, 1 का डिस्टेंस. 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर अंडर रूट इज अंडर रूट ऑफ 3. तो s का आंसर हो जाएगा 1 वाला. S का हो जाएगा 1. तो P के लिए इट इज 5, 4, 3, 1. ये ऑर्डर में आपके आंसर आ जाएंगे. 5, 4, 3, 1. अब देखिए 5, 4, 3, 1. ये क्या हुआ? डिफिकल्टी रेटिंग आ गया 5, 4, 3, 1. कहाँ है अपने ऑप्शंस? ये रहे 5, 4, 3, 1. ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इस पूरे क्वेश्चन का. 5, 4, 3, 1. अच्छा, बी आंसर इज करेक्ट फॉर दिस. डिफिकल्टी रेटिंग देखिए आपने. डिफिकल्टी रेटिंग क्या है? कैलकुलेशंस थोड़ा सा दिमाग लग रहा है. हाँ, तो मॉडरेट क्वेश्चन कहेंगे इसको. बहुत ज़्यादा आसान नहीं है. मॉडरेटली डिफिकल्ट क्वेश्चन. वेक्टर्स एंड 3D के ऊपर बेस्ड काइंड ऑफ डायरेक्ट सवाल विद अ स्मॉल एनालिसिस इन द बिगिनिंग. इन द बिगिनिंग अगर आपने छोटा सा एनालिसिस कर लिया तो फिर बाकी कैलकुलेशंस बहुत सिंपल हो जाती हैं. आंसर निकालना बहुत मुश्किल नहीं है, बट क्वेश्चन पढ़ने का दम होना चाहिए पहले अपने अंदर, तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा, नहीं तो नहीं होगा. राइट. एक और सवाल कॉम्प्लेक्स नंबर से पेपर वन में पूछा गया. कॉम्प्लेक्स नंबर से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर साल और ज्यादातर क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं, बट ये क्वेश्चन देखें कैसा डिफिकल्ट है, आसान है. क्योंकि इसमें ऑप्शन वगैरह पी क्यू आर एस के साथ 1, 2, 3, 4, 5 और मैच द कॉलम. तो मैच द कॉलम के क्वेश्चन जनरली आसान हो जाते हैं थोड़े, जो इस तरह के वन ऑन वन मैपिंग वाले होते हैं ना वो. यहाँ पे देखते हैं क्या हो रही है कहानी. लेट्स ऑब्जर्व. जेड बी ए कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस. ऐसा कह रहा है आपसे कि जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसको सेटिस्फाई कर रहा है. किसको? मॉड जेड पावर 3 प्लस 2 जेड स्क्वायर प्लस 4 जेड बार माइनस 8 इक्वल्स टू 0. अब जेड का क्यूब इन्वॉल्व हो गया तो जेड के लिए सॉल्व करने के लिए मुझे x प्लस आई वाई एक ऑप्शन है. क्यूब में जाऊंगा तो काफी दिक्कत आएगी. कॉस थीटा आए था साइन थीटा वगैरह आई साइन थीटा में जा सकते हैं, या हाँ उसी तरह से जा सकते हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा. उसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिखने के लिए लेट मी राइट जेड इक्वल टू आर ई पावर आई थीटा. सेम एज दैट राइट. सो दिस बिकम्स आर क्यूब प्लस 2 टाइम्स आर स्क्वायर ई पावर 2 आई थीटा प्लस 4 आर ई पावर माइनस आई थीटा माइनस 8 इक्वल 0. दिस इज व्हाट यू हैव राइट. इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड बी नॉन जीरो. जेड बार डिनोट्स द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट. बाकी सब तो ठीक है. मॉड जेड स्क्वायर निकालना है सबसे पहले, तो अपने कोर्स के ऊपर फोकस है अपना. तो आर की वैल्यू चाहिए सबसे पहले. आर की वैल्यू के ऊपर फोकस. इसका रियल पार्ट अलग कीजिए और कॉम्प्लेक्स पार्ट अलग कीजिए. इमेजिनरी पार्ट अलग कीजिए. जैसे इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा? इमेजिनरी पार्ट देखिए तो यहां से आएगा 2r स्क्वायर cos थीटा प्लस i sin थीटा sin 2 थीटा बेसिकली. दिस इज व्हाट यू गेट. एंड यहां से मिलेगा माइनस 4 r sin थीटा. दिस इज व्हाट यू गेट राइट. 4r तो एज इट इज है, इसमें cos थीटा माइनस i sin थीटा है, माइनस sin थीटा यहां से आ जाएगा. दिस इज व्हाट यू गेट. ये इमेजिनरी पार्ट इसका, क्योंकि राइट हैंड साइड में इमेजिनरी पार्ट 0, ये भी 0 हो जाएगा. रियल पार्ट भी राइट हैंड साइड में 0, रियल पार्ट भी 0 हो जाएगा. दिस इज व्हाट यू ऑब्जर्व. अच्छा, यहाँ पे रियल काफी ज्यादा है, इमेजिनरी कम है, तो हमने पहले इसको निकाल लिया. 2r स्क्वायर माइनस 4r साइन थीटा, ये चीज पता चल रही है. तो 2r स्क्वायर है साइन 2 थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है माइनस दिस इज 4r साइन थीटा है. फिर उसने आगे कंडीशन दी कि यहां से या तो साइन थीटा 0 हो जाएगा, कैंसिल हो गया, और साइन थीटा कैंसिल हो गया, या अब देखें 4 4 4 कैंसिल हो रहा है, r भी कैंसिल हो गया, r cos थीटा
इज इक्वल टू वन आ जाएगा, दैट्स अदर पॉसिबिलिटी, राइट। फिर से कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड भी नॉन जीरो, मतलब ये चीज नहीं चलेगी, जीरो नहीं चलेगा, तो ये चलेगा। हाँ, उसने कंडीशन भी दे दी, ये चलेगा। आर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, वन आ रही है। अच्छा, आर कॉस थीटा अगर वन है तो फिर क्या मैं आगे बढ़ के इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, इसका रियल पार्ट की बात कर सकते हैं। रियल पार्ट क्या कह रहा है मेरे से, आर क्यूब प्लस टू आर स्क्वायर इंटू ई पावर टू आई थीटा विल बी कॉस टू थीटा। हाँ, यहां से फोर आर कॉस थीटा माइनस एट इक्वल्स जीरो, ये भी जीरो हो जाएगा। हाँ, आर कॉस थीटा की वैल्यू वन है, आर कॉस थीटा की वैल्यू वन है, फोर माइनस एट सिंप्लीफाई हो जाएगा, यस। आर क्यूब है प्लस टू आर स्क्वायर है, कॉस टू थीटा कितना होता है, कॉस टू थीटा इज टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा विच इज वन बाय आर स्क्वायर माइनस वन प्लस दिस इज फोर माइनस एट इक्वल जीरो। ध्यान दीजिए ये किसमें कन्वर्ट हो रहा है, आर क्यूब प्लस फोर माइनस टू आर स्क्वायर माइनस फोर इक्वल जीरो, ये भी कट गया। आर क्यूब माइनस टू आर स्क्वायर की वैल्यू जीरो आ गई, या आर स्क्वायर कॉमन आके आर माइनस टू की वैल्यू जीरो आ गई। ध्यान दीजिए इसको, दिस इज व्हाट यू गेट। यहां से आर की वैल्यू बहुत आसानी से आपके पास आ जाती है टू। आर क्या है, आर इज नथिंग बट मॉड जेड, राइट, आर इज नथिंग बट मॉड जेड की वैल्यू आ गई टू। तो इसके बेसिस में मॉड जेड का स्क्वायर कितना हो गया, दिस इज फोर, कौन सा आंसर है इसका, टू। जेड माइनस जेड बार का होल स्क्वायर अगर मुझे करना है, उसका मॉडुलस लेके स्क्वायर करना है, तो फिर क्या होगी कहानी, जेड माइनस जेड बार कितना हो जाएगा भाई, जेड है cos theta plus I sin theta into R है, mind you. So R cos theta और R cos theta तो cancel out हो जा रहा है, हाँ, R sin theta और R sin theta add up हो जाएगा, 2R sin theta बन रहा है, उसका भी modulus ले लीजिए, modulus लीजिए, I हट जाएगा यहाँ से, उसका square कर दीजिए, इसका भी square कर दीजिए, sin theta की value कितनी है, ध्यान दीजिए, cos theta मेरे पास 1 upon 2 आ चुका है, 1 upon R cos theta 1 upon 2 आ चुका है, तो sin square theta मैं बहुत आराम से निकाल सकता हूँ, 4 times R square कितना भी, R square is 4, sin square theta is 1 minus cos square theta, cos square theta is 1 upon 4, this is 3 upon 4, 4 into 3 answer आ जाएगा 12, this is what you'll be getting, this is equal to 12, इसका answer आ रहा है 12, p का 2 है, q का 1 है, अगर इतना ही देखें, options देखें एक बार, p का 2, q का 1, p का 2, q का 1, एक ही answer आता हो दिख रहा है मुझे तो b, बाकी सब cancel out हो गए, R का 3, S का 5 भी तो निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं, बट आंसर मार्क कर सकते हो अब यहाँ से, इसलिए इस तरह के क्वेश्चन थोड़े से आसान हो जाते हैं, कई बार इस तरह से एक या दो कैलकुलेट किया आपने, आपका आंसर आ गया फटाफट, आप आगे बढ़ सकते हैं, राइट। R का 3, S का 5, लेट्स सी R, मॉड जेड स्क्वायर, ये तो 4 है, Z प्लस जेड बार में क्या क्या आ जाएगा, जेड प्लस जेड बार में, लेट्स ऑब्जर्व एनालाइज दिस, जेड प्लस जेड बार, तो मॉड जेड का स्क्वायर तो आराम से 4 हो रहा है, अच्छा, z प्लस जेड बार विल बी 2r cos थीटा के मॉडुलस का होल स्क्वायर चाहिए अपने को, दिस इज 4, r cos थीटा कितना है, 1, r cos थीटा वाज 1, सो दिस इज 4, सो दिस इज 2 का स्क्वायर सिंपली 4, सो 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8, ये आ जाना चाहिए, r के आंसर 3, हमें देखा था, b आंसर आ गया था, यस। व्हाट एल्स, z प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको भी एनालाइज कर लेते हैं, z कितना है, 2 cos थीटा प्लस 2i sin थीटा, सो R cos theta, R cos theta basically R की वैल्यू 2 थी, यस, R cos theta प्लस I R sin theta और साथ में 1 भी है, 1 प्लस दिस है, इस पूरे का मॉडुलस लेके स्क्वायर करना है, हाँ, और हमारे पास क्या क्या रिजल्ट है, R cos theta की वैल्यू 1, जहां पे R की वैल्यू 2 है, तो cos theta को 1 by 2 रख सकता हूँ, यस, आई कैन पुट cos theta as 1 by 2, R is equal to 2, तो R cos theta की वैल्यू तो सिंपली हो जाती है 1, तो 1 प्लस 1 2 प्लस I टाइम्स R इज 2 sin थीटा कितना है, cos थीटा का 1 by 2 है, sin थीटा विल बी √3 by 2 है, तो प्लस और माइनस दोनों में से कुछ भी हो सकता है, यस, सो प्लस और माइनस √3 by 2 के मॉडुलस का स्क्वायर भी चाहिए अपने को, ये 2 2 कट गया, इसके मॉडुलस का स्क्वायर विल बी नथिंग बट 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर व्हिच इज दिस एंड दैट इज व्हाट यू विल गेट, दैट इज सिंपली 7, सो S का आंसर विल बी 5, दिस इज व्हाट यू गेट, और वही चीज मिल रही थी भाई, अलग से कुछ क्या नया मिला, कुछ भी नया नहीं मिला, दिस इज करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, एज यू कैन सी ओवर हियर, वंस अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर्स डायरेक्ट क्वेश्चन, कुछ बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा रहे इसमें, हाँ थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशंस में क्यूबिक फंस जाता है, इसलिए थोड़ा सा इसका आप बोलेंगे थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल ज्यादा है, तो दिस इज अ डिफिकल्टी लेवल 5 क्वेश्चन, मॉडरेट डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट्स व्हाट यू हैव इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन ओवर हियर, और इसी के साथ पेपर 1 का डिस्कशन समाप्त होता है, पेपर 2 का डिस्कशन इसके आगे वाले सेशंस में आपको मिलेगा, आप बने रहिए व्यास एडुकेशन के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब टू अवर चैनल ऑफ व्यास एडुकेशन फॉर लेटेस्ट अपडेट्स।